इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ ठीक चल रहा है? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उन्हें वादा किया यहाँ कुछ नहीं होने वाला है जी। 5 अगस्त को हुआ आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हम वजीर आजम के पास गए, मीटिंग बहुत हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर होगी और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा। और आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ा गया? हर दिन नए नए कानून आ रहे हैं। इसके लिए ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि भाई हमारे हकों पे जो है एक हमला हो रहा है और उस हमले को दूर करने के लिए इसीलिए सब बैठे हैं, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग इनके मुद्दे हैं, मगर इस चीज पे सब इकट्ठे हैं और इसी को हमने आगे ले चलना। So you don't have trust on election commissioners? It's not the question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें आपने कहा है। फिर कहने लगा अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है, तो बताइए कौन सी चीज़ सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? फारूक साहब, ये बीजेपी जो है, आप जरूर कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो बाहर के वोटर आए हैं वो भी हमारे देश के हैं, वो आ सकते हैं। साहब कौन कहता नहीं है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहाँ पे इलेक्शन जीतना और यहाँ पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दें या नहीं दें। रोज वो चिल्ला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है जी। अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से ही वो कुर्सियों पे बैठे हुए तैयार हैं कि बाकी लोग सब बेकार के लोग हैं क्या? मैं उनसे कहता हूँ इस चीज़ से ज़रा ब्रेक करें, लोग फैसला करेंगे, डेमोक्रेसी लोग हैं, डेमोक्रेसी ताकत नहीं है, फौज नहीं है, पुलिस नहीं है। प्लीज I have told you what I had to say. Other than this, I have told you, मैंने साफ आपके सामने रखा है कि कमेटी बैठेगी, अभी कमेटी फैसला करेगी आगे क्या करना है। इसके बगैर मत पूछिए मुझे, आपने पूछे और वो प्लीज आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क मी दिस थिंग, हाउ मेनी टाइम्स I have told you what the election commissioner said. Yes. When he came to that meeting, what did he say? He denied what he had said in the press. He denied it. Yes. The very man. And what did he say afterwards? It may be 1 lakh or 2 lakhs. Did he say that? You tell me what is correct? Is that 25 lakh correct or is 2 lakh correct? जो आपके साथ बैठे हैं वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बाकी जितने लोगों के वोटिंग राइट्स हैं और 18 प्लस के, बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर आप उनके खिलाफ वोट हो जाए। भाई सुनिए, बीजेपी कुछ भी कहे, मैं बीजेपी का ना स्पोक्समैन ना बीजेपी के साथ मेरा कोई ताल्लुक है, आप उनसे पूछें। फारूक अब्दुल से क्यों पूछे? नहीं नहीं, आप वो कह रहे हैं कि वो कहने दीजिए, देखिए जितनी जबान है उतना बोलने दीजिए, कौन रोकता किसी को? फारूक साहब, दिस इज अ गुड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। फारूक साहब, आज की मीटिंग में अब क्या डिसाइड किया है? यही डिसाइड किया जो आपने सुना नहीं, अफसोस तो इसी बात का है ना कि यहाँ पे कोई पता ही नहीं लगता कि कौन क्या सुन रहा है। और मैं क्या करूँ, उनसे पूछ लीजिए मैंने क्या कहा। जमाल देखिए, बहुत हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हम आपके साथ। फारूक साहब, जो लीडर आज आपके साथ इस मीटिंग में शामिल है, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में यही लीडर कह रहे थे कि हम जो है वो सेटिस्फाई है। एक सवाल है, बीजेपी हमेशा कहती है कि यहाँ पर शामिल वापसी के लिए क्यों राजी नहीं होती, जबकि उन्होंने वादा किया था हालात जम्मू कश्मीर के अच्छे होंगे तो स्टेटहुड वापसी दी जाएगी। कहाँ है वो स्टेटहुड? कहाँ है मेरा बताइए, कहाँ है वो स्टेटहुड? कहाँ है जम्मू कश्मीर? पूछिए ना इनसे, बीजेपी वालों से, आप तो पूछ रहे हैं,
इनसे पूछे जो मालिक हैं आचार्य हिंदुस्तान की, कहाँ है स्टेट, जरा बताइए मुझे, दिखाइए जरा। इस मीटिंग में ये बात हुई महाराजा साहब के जन्मदिवस की छुट्टी की कोई बात हुई इस मीटिंग में सर? जम्मू का मुद्दा बना हुआ है इसमें जनाब, सिर्फ एक मुद्दा था जी, नॉन लोकल और वो नॉन लोकल का जो मुद्दा था वही था, बाकी कुछ नहीं।